sponsor. पानी की कोई स्कीम ना, बोतल में मेरा बेचे भी ना है, मतलब पानी तो ला ही नहीं सके, अलाउड नहीं है पानी लाना। भाई अरुण पवार इंड्री फिलहाल बैठा हुआ चंडीगढ़ में। भाई मैं तो नहा धो के सेट हो गया। आकाश देखो, आकाश का मेरे पास सुबह फोन आया था, ये कह रहा था कि भाई उठ जा, पर मुझे नहीं पता था, केवल ब्रेकफास्ट के लिए कह रहा। मैं तो नहा धो भी लिया, तो मैं तो जाके कह रहा मैं नाश्ता वास्ता करके जब नहा धो, लेकिन नहीं तो फिर स्मेल मेल बन जाएगी। तो ये तो भाई इसका रूम है, और ये देखो रात को इसने भाई ये तो मैं तो सो गया और जोमेटो से पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करके। अरे देख इनके बस पे ना ऐसे लिख के आया था थैंक्स फॉर ऑर्डर, इसकी लगा के वो तुम ना तो कभी एक चावल ना छोड़ो भाई। मैं इनको सबकी रात को वो मैगड़ी वैगड़ी खिला के लेके आया था। मेरे वाले रूम को बहुत तगड़ा व्यू है यार, मेरे का तो बाहर से है ना। हाँ आओ मेरे कमरे में चलो, तो बाहर से इतके में कहा आके मैं देखू एक मिनट। और आए तेरे में तो एक ही कांच है तेरे। अरे भाई यहीं से तू मार खा गया, अब तू देखेगा तेरे को स्वाद आ जाएगा। खोलो भाई, अब मेरा देखना इनका रिएक्शन। दिस इज माय रूम, टीवी की तरह प्यारा लग रहा है, ये देख। ओ नहीं मजा नहीं यार। अच्छा भाभी आप बताओ हैं, मस्त है एकदम। और क्या चाहिए आपने, मतलब लिफ्ट दिख रही है देखिए, गाड़ी घोड़ी सब कुछ दिख रही है। और या तो खोल या मैं और इतना मजा आए देख, क्या सोफा वोफा अंत मेरे तो लेस है, ये देख। पर या तो भी और अच्छा, मतलब बेड अच्छा ना आया कमरे में। चलो भाई अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, लेट्स गो। चलो हमने इसमें इंक्लूड करवा लिया यार, रूम में ना व्हाइट कलर सबसे बेस्ट है। हमने खामगे में रंग बिरंगे करा लिए, व्हाइट बेस्ट है भाई। ये रूम हमको पड़े थे 4,000 रुपए के, 2,000 ईच, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो चल के देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। चंडीगढ़ में तो बहुत जगह बच रही है यार, भैंस चल रही है। देखे तो देख यू फेरी की तो घास हुई है, इन्होंने वो ही थोड़ी ना हो ना, पानी लगा तो ना पानी लगा मैं तो अपने आप है कि कौन रुक गई है। और हमारे में भाई हम इतना पानी लगा जब कुछ ना हो रहा, जब भी सूख जाए भाई आगे जीरा इसमें छाछ है यू। ये लस्सी है नहीं ऑमलेट नहीं, सॉरी थैंक यू। आदमी भाई ब्रेकफास्ट तो हो गया पर ठीक ठीक था टेस्ट वेस्ट। अब आकाश देखो गाड़ी में तो कहाँ लेने गए हो भाई, तरबूज खरबूजा चक्कू प्लेट थाली मैंने सब कुछ दिया था। खरबूजा तरबूज थाली चक्कू छुपा के ला रहा, छुपा के भाई देखो यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे बैठने के लिए लोकेशन बना रखी है, ये देखना आराम से। मेरे साथ भी कोई होती तो यहाँ पे बैठ जाती, सैड लाइफ। चलो अब चेकआउट मार दिया हमने, 12:34। एक्चुअली हमारा भाई हम जो यहाँ आए हैं हमारे तो स्पेशल मैच देखने, जो क्रिकेट आईपीएल मैच आजकल चल रहे हैं। तो ये कचरा नहीं, हमने वो तरबूज तो खा लिया, कचरा नहीं खाया गया, तो हमने ये बैग बैग उठा ला। और कितनी केयर टेकर आकाश, तो गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी होगी हमारी। तो आज मैच है भाई बेंगलोर का और उसका पंजाब किंग्स का। पहले हमारा प्लान था पता है वहाँ मुंबई जाके वो वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब का मैच देख के आने का, लेकिन राजस्थान थी पता है, राजस्थान थी शायद 22 तारीख को 22 अप्रैल को। बट यार हुआ क्या, वहाँ पे दिखा रहा था 2200 की टिकट भाई, वो 8,000 और 12,000 की बची थी बस, वो सोल्ड आउट हो गई। फिर इतनी तो ना यार, मतलब वो होती हम पे।
8 चौक 32,000 रुपये इतनी महंगी टिकट ना खरीदी जाती भाई, इसलिए हमने फिर यहाँ पे मोहाली की वो गली, दिल्ली में भी हो रहा था पर वो टीम हमको कुछ खास पसंद नहीं है जिनका हो रहा था, हमने सोचा चलो मोहाली IS बिंद्रा स्टेडियम में वहाँ पे चलते हैं, थोड़ी टीम भी अच्छी है, फेवरेट टीम आकाश की बेंगलोर और पंजाब, तो उनका देख के आएंगे। जिंदगी में एक ड्रीम सा होता है ना यार कि ऐसे मैच देखेंगे कभी ऐसे वो लाइव, एक बार ही करेंगे एक्सपीरियंस, मेरा तो कोई इच्छा नहीं रहती, मेरे को ना कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट है, गर्मी अलग है कि 3:30 बजे का शो सेलेक्ट कराया यार इन्होंने, हद होती है। चलो कोई नहीं, अब कर ली तो ओटेंगे भाई और क्या करें। ये होटल था जहाँ पे हम रुके थे, ये वाला अच्छा था, अच्छी थी सर्विस, रूम वूम सब बढ़िया था। चलना अभी तो वैसे ही चल रहे हैं वहाँ, स्टेडियम बाहर देखेंगे, PGL की टिकट और कलेक्ट करनी है, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। भाई हम पहुँच गए भाई पार्किंग, हमने गाड़ी लगा दी है लोकेशन देख के। आकाश क्या क्या लेके जाएगा, तेरी टी शर्ट कहाँ है? वो बार भेज तो रही है, खरीद वो RCB की पहन के आए, पंजाब में आ रखे हैं RCB की पहन के, ना कोई कूटते है पंजाब वाले कूटते है ना, हमारे राजेश झंडा ले ले, झंडा वंडा सब चीज लूंगा, यहाँ गालन पे भी छप गाऊंगा। ले लेगा क्या, कितने का है झंडा? झंडा सर 150 रुपए का है, 100 का है। ओ ना ना भाई सॉरी, 100 वाला तो नहीं, नहीं यार हिंदो अगर हम को अभी यही नहीं समझ में आ रहा हम कौन सी टीम का ले हमारी कोई फेवरेट टीम ना है, अब तो ऐसे ही यार वो तो मुंबई इंडियंस, अरे मुंबई इंडियंस की यही पैर का आगो। देखो हमने ना यहाँ पे जूते बूते अपना चेंज कर लिए, हम 1:19 पे आ गए, 3:30 बजे है मैच स्टार्ट, देखना पूरी खाली पड़ी है, जब हम आएंगे ना पूरा भर जाएगा देखना। और ये तो गेट नंबर 5, 6, 7 की पार्किंग है केवल, और जो बाकी गेट है उनकी तो पता नहीं। हमारी 3,000 रुपये की एक की टिकट है, 5-6 जने हैं अगर मान लो तो 15,000 रुपये बैठ जाता है। पहले खाना मंगवा लियो, ले यार दिखाओ पहले यार, खाना खा के चलेंगे, भीतर शायद महंगा महंगा मिलता हो कुछ तो। हाँ उल्ला मचल लगो, भारत माता की जय भाई। तो चलो जल्दी खा लो फिर रोटी यार, फटाफट चल रहे हैं फिर। चलो भाई अब रोटी 2 खा लिए हैं, अब जा रहे हैं हम गेट नंबर 5 क्योंकि 2:30 बज गए हैं, तो अब हम जरा एंट्री लेते हैं भीतर। टी शर्ट वी शर्ट हमने ना खरीदी, क्या कौन फटी पाल है, कोई एक टीम तो जाए हम सपोर्ट करें, कोई सपोर्ट ना कर रहे। यहाँ लोग काफ़ी बेच रहे हैं, देखो लोग पहन भी रहे हैं, तो देखते हैं वो भाई बहुत दिन तो सेद रहे कि फिजिकल वो लेनी है टिकट, फिजिकल टिकट लेनी है, देखें कहीं ऐसी एंट्री आ जाएगी ऑनलाइन ही। देखो गेट नंबर 5 पे कितनी ये हमारी यहाँ से एंट्री, कितनी लाइन लग रही है यार, अब लाइन में लगो हद यार भाई, यहाँ तो इतना प्रचंड सिस्टम है भाई, बहुत तगड़ा है फिजिकल, वो सही ही चाहिए टिकट, 1 घंटा में तो इतनी लंबी लाइन देख रहे हो, नंबर आया और भाई फिर भी भगा देगी भाई, अंदर तक पहुंच गए कि ना फिजिकल कार्ड चाहिए, यहाँ तो बस चेकिंग हो रही है ये भाई। देखो आकाश भाई क्या है ये फिजिकल, अब आकाश पूछ रहा है भाई कहाँ मिलेंगी ये फिजिकल, फिजिकल मतलब भाई दिमाग ख़राब हो गया हमारा तो यार, पहुंच गए अंदर को याद 1 घंटा लगा के, ये फालतू की चीज़ें लगती हैं मुझे तो यार, अभी क्या करें, भाभी की भी अलग ही डिमांड रहती है, ये एक्सपीरियंस करना वो एक्सपीरियंस करना, देखना यहाँ से अगर फिजिकल वो लेने चले भी गए तो भाई लाइन देखो कितनी लंबी, फिर अब निकलना ही पड़ेगा, बट वी हैव नो वन अदर चॉइस ना। वाह भाई यहाँ भी यही आना पड़ा बॉक्स ऑफिस पे से फिजिकल को लेने, अब इतनी लाइन, हम तो भैया क्या फ़ायदा हुआ 1 बजे आने का, जीवन में दुख बहुत है। यहाँ पे ये गलती बिल्कुल ना करें, मैच में फिजिकल लेके चलें, ये पेटीएम पागल नहीं है तो दह व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं कि मैंडेटरी फिजिकल, पर मेरा आकाश ओवर स्मार्ट है ना, कह रहा है जो कोई जरूरत ना, जब तो रोटी खाने में लग गए जोमेटो तो मंगवा के, अब देख 3:30 बजे 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा तो पहुँचेंगे हमको 4:30-4 बजे भीतर। एक मिनट का काम था कि नहीं, इतना आलस करो, भुगतो बाप भुगतो, चला जा सही में, चलना दोबारा लगो लाइन में, तू लगो रहा एक बार मैं देखता हूँ भैया, बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदा हाल है। भाई यहाँ पे ये सब चीज जो मिल रहा है, मतलब ये 100 रुपए की पेप्सी हल्की से आ रहे हैं।
देखो आउट है नॉट आउट है पता चलेगा। देखो कैसे पब्लिक शोर बचाती है इधर, इतनी ज्यादा हरियाणा को मेरी आवाज नहीं सुन रही है। स्कोर देखो भाई आरसीबी का आउट, मैक्सी आने दो कोई नहीं, आकाश होता रहता है मैच भी कार चलती रहती है। क्या ऑक्सीजन सी फेंक रहे हैं, पापा क्यों कॉल कर रहे हैं, पापा मैच देख रहे हैं, पापा हमसे पूछना चाह रहे हैं क्या भाई, ये देखो ये फ्री फंड में यहाँ मैच का आनंद ले रहे हैं। मतलब कौन सी प्लेयर को, अच्छा कोहली आउट, ओ शिट माय गॉड कोहली बाय कोहली, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पहली बॉल माहौल होता है जब कोई आउट होता है तो, सच में आउट है का, कैसे हो कैच आउट होगा भाई मैं यहाँ हैट्रिक बॉल कैसे बैठा ही है, हैट्रिक बॉल सर दो आउट कर दिए, ये हैट्रिक है मतलब दो बॉल लगातार से विकेट लिया तीसरी बॉल पे भी लेता है, मुझे पता ही नहीं था, बहुत ज्यादा सस्पेंस बन रहा है, ए, नहीं ले पाया शिट यार, दो बार तुक्का लगता है हर बार छोटी आगे तुक्का नहीं था यार, हद कर मैच तो खत्म हो गया है, आरसीबी ने बनाए हैं 74 रन 174 रन, और आप तो ब्रेक देखते हो बीच में जैसे इनिंग खत्म हो जाती है बीच में गाने बजते हैं स्टेडियम में और ये ऐसे पिच को साफ सफाई सी करते रहते हो, हेल्प कर रही तुसी देखो गुटिया भी हेल्प कर रही सारे, हां जी शीशे सुन में है से हां जी बहुत सफल भी खत्म।
अब वो पीछे जो भाषण से देते हैं वो देखिए आरसीबी जीत गई और वो हार गई। क्या बोलते हैं पंजाब ने बहुत बेकार खेला, विकेट विकेट गेट चल गए भाई। टीवी पे तो नकली काम रहता है, देखो ये पीछे से ऐसे फट्टे को लेके खड़े रहते हैं और यहाँ पे ये ऐसे दिखता है कि भाई पता नहीं क्या दीवार सी है पीछे और जगह ब्रांड्स घुसा रखे हैं, इतनी एड्स होती हैं, प्योर बिजनेस ही है यार। एक तरीके से देख रहे हैं कैसे खड़ा कि देखो लाइव टीवी पे एक एक दो मिनट लेट चलता है ये, मतलब लाइव से ये 3,000 रुपये की टिकट की कुर्सियाँ देखिए कैसी गंदी रहती हैं यार। ये तो लोग गंदगी तो चिपक गई पीछे और मैं देखी कितनी गंदी गंदी कुर्सियाँ होती हैं यार, इतने महंगे महंगे इनके काम होते हैं ना, पैसे गिर रहे हैं मतलब पब्लिक को ठक के और पैसे गिरने लग गया है। एक तो पॉइंट आकाश ने बहुत वैलिड कहा, देखो जीतने के बाद कोई बम पटाके फोड़ता ही नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ कोई ब्याह शादी हो जाए तो बताओ कितना वो हो जाता है। 13,000 रुपये की टिकट हुई, धूप में मर गए कहते ही बकवास, मज़ा नहीं आता। 13,000 खाना पीना रहना भाई। 800 रुपये की पेप्सी, पेप्सी पानी तो मिलेगी ना यहाँ पे, पानी की कोई स्कीम ना, बोतल में बिना बेचे भी ना है, मतलब पानी तो ला ही नहीं सके, अलाउड नहीं है पानी लाना भाई। पता ना क्या स्कीम और ये बिना बेचे, मतलब प्यासे मरो धूप में मरो, पता ना भाई वो भाई कितनी कंजेशन है ना बहुत, मतलब बेकार है। और मौत पता ही ना चले ये कहाँ हो, मैं तो पूछ तो रहा हूँ साइड वाले से, देखो देखो खूब मजेदार चीज है, खूब मजा आता है, हमको तो खूब मज़ा आया ठीक है ना। इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था देखने में ना, कोई इसको मैच मैच है क्रिकेट वेट क्रिकेट से मतलब है, तो इसको क्यों मज़ा आएगा हैं। अब जैसे किसी तुम देसी आदमी को हॉलीवुड मूवी दिखा दो तो उसको क्या मज़ा आएगा, और जो उनका फैन है उसको खूब मज़ा आएगा हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताओ, फिर कोहली ने तेरे में ऐसे भी नहीं करा जब यहीं ढो ना करे, मत हम कोहली के लिए थोड़ी ना आए, हम तो प्रीति जिंटा के लिए आए। वो तो दिख गई थी, वो तो सुपर मूड देख रही है। ये झंडे लोग ले लेते 200-200 का भी फेंक जाते हैं, हार गई तो फेंक दिया यार। इतनी जल्दी तो आकर लगन सगाई के इसमें टेंट भी ना समेट लो, ये समेट के दिख गई इसके बारे का। भाई मैं तो चीयर अप करने के लिए लेके आया था पंजाब किंग्स के लिए, बट पंजाब जी पंजाब हार गई और आरसीबी जीत गई भाई 24 रन स्टैंड। चलो बाय। देखो 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 अब देखो कितने जने लेके खड़े रहते हैं झंडे से, क्योंकि अभी तो जब हम आए हैं खाली पड़ा है, भर गया ना पूरा, ये तो बस एक गेट की पार्किंग है और दिन कितने गेट हैं भाई, इतनी भीड़ रहती है ना आईपीएलों में, बहुत तगड़ा क्रेज है लोगों में क्रिकेट का। अब हमने क्या है वहाँ पे मोहाली में था मैच, हम ये कहें कि आगे क्या करें, हम तो मैच ही देखने आए बस, तो अब यहाँ होटल वोटल भी सर्च करे सब जीरकपुर में दिखा रहे, जीरकपुर में दिखा रहे, हमने जीरकपुर ही डाल लियो। ये देखो एक तो आफत इसमें ये है ना यार, एक बंदा स्पेशल उसके लिए चाहिए, 18 किलोमीटर और आज जाम इतना हो ना क्योंकि वो सब गाड़ी छूटी है वहाँ से। जीरकपुर जा ही रहे थे इस रोड पे थे, पता नहीं कौन से मॉल से आ रहे तगड़े से, तो फिर झट हमें यू होटल से दिख गए कहीं इतनी दूर कहा जा, 17-18 किलोमीटर जाम में यहीं ले लेते हैं अपना 1700 रुपये पर रूम के हिसाब से, 2 रूम ले लिए मतलब 1700-1400 के बढ़िया मिल गए भाई। चलो भीतर चलें देखेंगे वाले कैसे, मैं ना जाऊँ आकाश ही भेजूँ, मैं इनका मन के नहीं है ना, यहाँ में यू और दिक्कत है। आप अनलॉक करके अब अपने चप्पलों में आ जाता हूँ, बस बहुत शौक हुआ जूतों का, मेरा मन ही ना करे जूता पहनने का, पता नहीं क्यों यार कसाब है।